पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी कई दिनों से हड़ताल पे हैं। ऐसे में अभी हम मौर्य लोक में बता दी कि मौर्य लोक में जो तादाद में कई हजारों की तादाद में यहाँ पे जो लोग कर्मचारी हैं वो लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पे बैठे हुए। बता दें कि जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं काफी महिला भी हैं और उसके साथ साथ पुरुष भी हैं, साथ ही साथ जो जिस तरीके से महिला जो साथी हैं और इधर में जो देख रहे हैं कल इनके जो एक साथी पर पथराव किया गया था दलित कई तरीके पोस्टर लिए उसमें दलित विरोधी अभिषेक कुमार परसवान के जो नगर आयुक्त है उनको वापस लिया जाएगा। जो एक इनके जो इनके सफाई कर्मचारी है उनको पत्थर से पथराव किया गया था बिलिंग इलाका में। इसको लेकर जो यहाँ पे तमाम जो पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे, वहीं सरकार इन लोगों से बात करने के लिए भी नहीं चाह रही है। जिस तरीके से सरकार को कहना है कि इन लोगों की बातें सुनी जाती है लेकिन इन लोग पे इनका हर एक तरीके का मुद्दा होता है, कभी कुछ मांग करते हैं कभी कुछ मांग करते हैं, तो इनकी मांगों को कब तक ऐसे मेरे पास इस तरीके का स्थिति नहीं कि हम इनके हर एक मांगों को पूरा करें। लेकिन अभी लोग जो हैं सीएम आवास घेराव करने चाहेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे जो इनके जो नेता हैं और जो सफाई कर्मचारी के जितने भी जो 8,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी पूरी तरीके से हड़ताल पे हैं, इन लोग आज सीएम आवास खराब करेंगे, सीएम को जाकर ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगों को लेकर बात करेंगे। कुछ लोग हैं उन लोगों से चलेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे किस मांगों को लेकर आप लोग सफाई कर्मचारी क्या मांगों को लेकर आप जा रहे हैं आज सीएम आवास खराब करने जा रहे हैं। हम लोग को दैनिक को अस्थाई करने का बात है। जो तीसरी साहब ने कहा कि उचित फैसला किया जाएगा 2022 में, वो वादा मुकर गए तो अब हम लोग धैर्य का बांध टूट गया तो हड़ताल पर हम लोग चले गए। आज हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, अगर उससे भी नहीं होगा आगे हड़ताल जारी रहेगा। कल 100 ड्राइवर को बहाल कर लिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? 100 ड्राइवर बिना तो दिखावा है, ड्राइवर को हड़ताल करने का कि बहाल कर रहे हैं नया, वो धमकाने का है। हड़ताल खत्म हो जाएगा, ड्राइवर बहाल हो जाएगा। अच्छा, हड़ताल खत्म हो जाएगा ड्राइवर? हाँ, अभी 180 पर। अच्छा, पुराने ड्राइवर को जो लोग हड़ताल पे हैं उन लोगों को ड्राइवर की वजह से जो अब नए ड्राइवर को बहाल किया जा रहा है तो इसको लेकर आप लोगों को चिंताजनक नहीं है? सरकार समझेगी, मगर जो पुराने ड्राइवर हैं वो रहेंगे ही हड़ताल, अगर ड्राइवर नहीं रहेगा तो हड़ताल जारी रहेगा। चलिए, हड़ताल जारी रहेगा और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो तमाम जो तस्वीर देख रहे हैं लोग यहाँ पे धरना पर बैठे हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे किस मांगों को। कई दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, कल आपके एक साथी को पथराव भी किया गया। चार दिन से दस्तखत करने वाले चार तरीके से तस्वीर देख रहे होंगे। ये जो पटना मौर्य का जो तस्वीर है, मौर्य लोग की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे हजारों की तादाद में जो महिला हैं उसके साथ साथ पुरुष जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उनकी तस्वीर लिए हुए हैं। साथ ही साथ एक पोस्टर में लिखा हुआ दलित विरोधी अभिषेक कुमार पराशर नगर आयुक्त वापस जाओ। उस तरीके का नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति यानी कि जितने भी जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे जो नगर आयुक्त हैं उनको नगर आयुक्त को हटाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जिस तरीके से कल कही जाए तो कल ऐसे जो 100 ड्राइवर हैं 100 ड्राइवरों को बहाल कर लिया गया है कि पटना में साफ सफाई का व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको लेकर 100 ड्राइवर को बहाल कर लिया गया। लेकिन अब देखना होगा ये लोग सीएम आवास के पास जा पहुँचते हैं या नहीं पहुँचे। अभी लोग यहाँ पे से रणनीति बनाएंगे, उसके साथ ही जाते वो ये लोग सीएम आवास घेराव करेंगे और इसके बाद कर लिया पटना में सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से इंतजाम कर दी गई है कि ये लोग सीएम आवास तक ना पहुंचे। इनकम टैक्स से लेकर जो आर ब्लॉक इलाका है चाहे इधर हाईकोर्ट के इलाका पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया कि इन लोगों के जाने की अनुमति नहीं हो। वीआईपी इलाका और वीआईपी इलाका में धरना प्रदर्शन करने का काम नहीं है, वहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं किया जाता है। वैसे भी लोग देखना होगा कि लोग पहुँचते हैं वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। न्यूज बायोस्कोप के लिए पटना से उसका जाँच कराइए, FIR कराइए और 21/9 से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है उसके संबंध में वार्ता बुलाइए, वार्ता आयोजित करिए और सभी कर्मचारियों को हड़ताली कर्मचारियों को न्याय के लिए मार्ग प्रशस्त करिए। ये मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने लिखा है और उसने कहा है कि तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री है उनसे इसमें लिखा है कि उनसे हम लोगों ने 9 सितंबर
2022 को उनके कार्यालय कक्ष में बात किया था, संध्या काल में बात किया था। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।